नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण। आज औरैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने औरैया इटावा में यमुना और चंबल के तटीय इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि बसों से गांवों के ग्रामीणों को ऊंचे स्थानों पर बसाया जाएगा। ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए बाढ़ प्रभावित गांवों का होगा विस्थापन। जिला प्रशासन को जमीन की व्यवस्था करने के दिए दिशा निर्देश। वहीं समय पर राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद औरैया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के उपरांत जिला मुख्यालय ककोर में बाढ़ से प्रभावित जरूरतमंदों को निःशुल्क राहत सामग्री वितरण की समीक्षा व वितरण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी औरैया सुनील कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम सहित अन्य अधिकारीगण व जनपद के जनप्रतिनिधि व कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत और जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे। औरैया से मंडल ब्यूरो चीफ दीपक पांडे की रिपोर्ट। जनपद औरैया और जनपद इटावा के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने पीड़ित परिवारों को और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री के वितरण की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी अपनी सरकार के जो मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, सबके साथ अभी इस बात की समीक्षा भी की है। इससे पहले मैंने जनपद औरैया और इटावा के कुछ गांवों का हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ की स्थिति का अवलोकन भी किया है। हम सब जानते हैं कि चंबल नदी के कारण राजस्थान के कोटा बांध से भारी पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, लेकिन समय से उठाए गए कदमों के कारण जनपद औरैया में जल हानि नहीं है। प्रत्येक नागरिक सुरक्षित स्थिति में है और उन्हें न केवल राशन किट आपदा राहत मद से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है, बल्कि फूड पैकेट भी हरेक जगह उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। इस समय जो बाढ़ की स्थिति आई है, यह लोगों के जिससे अत्यंत सतर्कता बरतने वाली जैसी स्थिति थी और हम लोगों ने प्रयास से ही किया था, शुरू से ही बाढ़ से किसी प्रकार की जनधन की हानि को रोका जाए। जनधन की हानि को रोकने के इससे ही तो समय से कदम उठाए गए थे, उसका परिणाम आप देखने को मिल रहा है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ से एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। 7,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर प्रभावित हुई है। 13 गांव और 14 उसके मजरे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। मैंने उनमें से ज्यादातर का भी भ्रमण किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 68 नौकाएं उन गांवों में अब तक लगाई गई है। SDRF और PAC की फ्लड यूनिट को भी वहां पर लगा करके न केवल हरेक गांव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, बल्कि वहां पे स्वच्छता की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और जरूरतमंदों को फूड पैकेट या राशन किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी। राशन किट में हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हर प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं।